शकील भाई मुझे ये बताइए कि लखनऊ की क्या क्या चीज फेमस है? यहाँ से आपके सर चार चीज फेमस है, जैसे आपको घूमने में बोल भलैया हो गया और यहाँ की तहजीब हो गई। और तहजीब के बारे में तो सुना है कि यहाँ पर हम एक दूसरे से लड़ाई भी करते हैं, तो आप करके करते हैं जी, सही बात सुना है। और दूसरी चीज है यहाँ का टुंडे कबाब जो आपका फेमस है खाने आइटम में। और यहाँ चौथी चीज है चिकन कारीगरी। जो कहते हैं कि सुबह देखनी हो तो बनारस की देखें और शाम लखनऊ की देखें, तो आज एक शाम हमारे नाम है, आइए। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। मुस्कुराइए एक बार फिर से, क्योंकि आज हम फिर से लखनऊ शहर में हैं और इस समय हम रूमी दरवाजे के ठीक बाहर खड़े हुए हैं। 60 फीट ऊंचे इस रूमी दरवाजे को यहाँ के नवाब आसिफ उद्दौला द्वारा एक महान फकीर जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी के नाम पर बनवाया गया था। इसको तुर्किश द्वार भी कहते हैं और ये लखनऊ का मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता था। अभी हमारे साथ यहाँ के गाइड शकील भाई हैं और ये हमें रूमी दरवाजे के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। जी हाँ शकील भाई, देखिए इधर से देखने से तीन गेट हैं, चार माले की इमारत है। जब ये चीज़ हम आपको बाइक चढ़ते दिखाएंगे, वन गेट हो जाएगा, वन माला हो जाएगा। इधर से आपने देखा तीन गेट, चार माले की इमारत, इधर से देखिए वन गेट हो गया बड़ा सा और एक ही माला हो गया। अब इसमें पूरे नक्शे में दो चीज़ ऐसी है जो पहनने में आती है और एक चीज़ खाने में आती है। आप देख के मुझे बता सकते हैं क्या चीज़ पहनने में आती है और क्या चीज़ खाने में आती है? जब पर फूल देख रहे छोटे छोटे लगे तो ब्लाउन का डिजाइन किया हुआ है जो 5 रुपये चीज़ खाने में खाई जाती है। तो दोस्तों हमने अपनी गाड़ी रूमी गेट स्थित पार्किंग पर खड़ी कर दी है और बाकी की यात्रा अब हम ई रिक्शा से कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस समय हम लखनऊ के घंटाघर यानी क्लॉक टावर के बाहर खड़े हुए हैं जो कि रूमी दरवाजा और छोटे इमामबाड़े के बीच में पड़ता है। टावर का निर्माण 1887 ईस्वी में कराया गया था, जिसको रास्केल पायने ने डिजाइन किया था। टावर की ऊंचाई 221 फुट है और उसमें जो पेंडुलम लगा था उसकी ऊंचाई 14 फीट है। ये भारत के सभी क्लॉक टावरों में सबसे ऊंचा क्लॉक टावर माना जाता है। टावर को बनाने में उस समय लगभग 1,75,000 रुपए की लागत आई थी। जी हाँ दोस्तों, इस समय हम शाही तालाब के बाहर हैं जो रूमी गेट के सामने और क्लॉक टावर के ठीक बगल में पड़ता है। यह तालाब साल 1840 में अवध के बादशाह मोहम्मद अली शाह ने बनवाया था। इसे हुसैनाबाद का तालाब भी कहते हैं। यह तालाब इतना विशाल है कि इसे देखने वाला हर कोई हैरान रह जाता है। कई एकड़ में फैले नवाबों के इस शाही तालाब में एक ओर गर्म पानी होता था और दूसरी ओर ठंडा। यहाँ नवाब आया करते थे और नहाया करते थे। यही नहीं, यहाँ पर नवाबों की बेगम भी आती थी और नीचे सबसे अलग हिस्से पर उनके लिए नहाने की व्यवस्था की जाती थी। जितना विशाल यह तालाब है उतनी ही विशाल इसकी सीढ़ियाँ भी हैं जो बेहद आकर्षण का केंद्र हैं। ब्रिटिश अधिकारियों ने इस तालाब के एक ओर गर्म पानी और दूसरी ओर ठंडा पानी होने के रहस्य को जानना चाहा, लेकिन वो नाकाम रहे। दोस्तों जिस इमारत के बाहर अभी हम खड़े हैं इसको सतखंडा बोलते हैं और ये छोटे इमामबाड़े के ठीक बगल में स्थित है। इस इमारत को अवध के तीसरे नवाब मोहम्मद अली शाह ने अपनी बेटी के लिए बनाया था कि ईद और बकरीद पर वो इसकी छत पे जाके चांद का दीदार कर सके। पर अनफॉर्चुनेटली जब इसका निर्माण हो रहा था उसी दौरान उनकी पुत्र की मृत्यु हो गई और इसका निर्माण कार्य रोक दिया गया। आप देख सकते हो कि अभी ये 4 खंड दिखाई दे रहा है, इसका निर्माण 7 खंड तक होना था, इसी वजह से इसको आज सतखंडे के नाम से जाना जाता है। दोस्तों पिक्चर गैलरी में वीडियो शूटिंग अलाउड नहीं है, इसीलिए इसको देखने के लिए आपको एक बार लखनऊ तो आना ही पड़ेगा। लखनऊ की पिक्चर गैलरी, इस गैलरी में आपको लखनऊ के जितने भी नवाब हुए उनकी पिक्चर देखने को मिलेगी। यहाँ के जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उसकी भी पिक्चर्स यहाँ पे लगी हैं, आप अंदर जाके इन पिक्चरों को देख सकते हैं। उसके लिए आपको एक शुल्क देना पड़ता है जो 50 रुपये होता है, लेकिन इसी टिकट से आप बड़ा इमामबाड़ा भी घूम सकते हैं, उसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होता है। दोस्तों अभी हमारे साथ जमालुद्दीन भाई हैं जो यहाँ पर
टांगे चलाते हैं और टांगे की सेवा लोगों को देते हैं। अगर आपको टांगे की सवारी करनी है तो इनकी सवारी ले सकते हैं। तो किस हिसाब से आपके रेट हैं? हम लोग जो है 100 रुपए की लेके आते हैं वहाँ से इमाम बड़े इमाम बाड़े से, और उसके बाद छोटा इमाम बाड़ा, फिर शाही तालाब, छोटा घर, और उसके बाद में सब घुमा घूमो के जो है आपको वहीं छोड़ते हैं। जैसे किसी को चौक जाना होगा तो वह चौक भी लेके चले जाते हैं, पूरा उनको जो है टेंट। दोस्तों, इस समय हम छोटे इमामबाड़े के बाहर खड़े हैं, जिसको हुसैनाबाद इमामबाड़ा भी कहा जाता है। इस इमामबाड़े का निर्माण यहाँ के तीसरे नवाब मोहम्मद अली शाह के द्वारा सन 1838 में कराया गया था। इस इमामबाड़े को पैलेस ऑफ लाइट भी कहा जाता है। त्यौहार होते हैं, इस इमामबाड़े को बहुत खूबसूरती से सजाया जाता है। इस इमामबाड़े के अंदर आप बड़े बड़े झूमर देखेंगे जो उस समय बेल्जियम से इम्पोर्ट कराए गए थे। दोस्तों, हमारे साथ शादाब भाई हैं जो छोटे इमामबाड़े के गाइड भी हैं। ये हमें पूरा छोटा इमामबाड़ा विस्तृत रूप से जानकारी देंगे और हमें यहाँ पे विजिट कराएंगे। आइए। बादशाह के जब यहाँ पे एंट्री करते थे तो उनका सिपाही यहाँ पे चांदी की चौकी देकर बैठ जाता था। जैसे कि बादशाह भी आते थे, वो भी नहीं बैठते, लेकिन कोई जगह होते उनको फिर मानी को नहीं जाता। ऊपर एक चार रोटियाँ निकली थी, चार पैर थे, दो तीन चार देखे, ये चार पैर उनके कमानी के जगह पर सोने के चौक होते थे। एक बादशाह किसी पुल को ऊपर बनाया गया, उसको पुल किया जाता था। पुल करने के बाद जहाँ तक चौक खोला जाता तो चारों शाखों में से पानी इतनी देर गिरता था, जिस तरह से आसमान में से बारिश होते देखी वही अंदाज वही काम ये भी देखी। एक महिटाव पानी तक जहाँ से गिरता था तो खैर एक गुलाब के फूल के तंग पूरा शाही अम्मा महकने लगता था। किनारे पर बनी हुई नालियाँ, इसके जरिए से पानी को पूरा बारिश तक निकाल दिया जाता था। जब बादशाह आपके नहा लेते थे तब मस्जिद में नमाज और दरगाह में ज्यारत के लिए जाते थे। दोस्तों, लखनऊ जिन बातों के लिए फेमस है उनमें एक है यहाँ की चिकनकारी का काम। इस समय हम लोग चौक के पास खदरा इलाके में हैं, जहाँ पर चिकन सेवा करके एक शोरूम है। आइए शोरूम में चल के यहाँ का चिकनकारी का काम देखते हैं और कुछ अच्छा लगता है तो परचेज भी करते हैं। आइए। फाइनली हमने यहाँ से एक जेंट्स कुर्ता और एक लेडीज कुर्ती परचेज करी है, जिसकी टोटल कीमत 2500 रुपये है। तो शकील भाई ने हमसे 100 रुपये लिए, और बड़ा इमामबाड़ा से लेकर छोटा इमामबाड़ा और यहाँ के जितने भी लोकल साइट सीन हैं, आसपास के मॉन्यूमेंट्स हैं, उन्होंने अपने ई रिक्शा पर हमें घुमाया। अच्छा भैया, थैंक यू। जी हाँ दोस्तों, इस समय हम लखनऊ के बड़े इमामबाड़ा के बाहर खड़े हुए हैं। इसे आसिफ इमामबाड़ा भी कहते हैं क्योंकि इसका निर्माण
अवध के नवाब आसफ़उद्दौला द्वारा सन 1783 ईस्वी में किया गया था। यह लखनऊ की उत्कृष्ट इमारतों में से एक है। आइए चलिए अंदर से इस इमारत को एक्सप्लोर करते हैं। इमामबाड़ा चूँकि अंदर दरगाह है, इसलिए यहाँ पर हम बाहर जूते उतार के जाते हैं। अगर आपको जूते जमा करने तो प्रति जोड़ी जूते का जो शुल्क है वो 2 रुपये है। 2 रुपये जमा करके आप जूते रख के पूरे इमामबाड़ा को घूम सकते हैं। ये छत 164 फीट लंबा है, 60 फीट चौड़ा है। कोई सपोर्ट नहीं, कोई बीम नहीं, कोई सरिया नहीं, कोई बालू नहीं, कोई मरो नहीं, कोई लकड़ी नहीं। एशिया का पहला हाल है विदाउट सपोर्ट के, पूरी 8 फीट बिल्डिंग की जगह। पहले ज़माने में लाइट नहीं थी, ये कानपुर के कैंडल थे। ये शीशे लाइट को रिप्रेजेंट करते थे। ऊपर गंगा जमनी सोना चांदी था, सारी छत में सोना था, सारा डिज़ाइन में चांदी जड़ा था, सारा ब्रिटिश सरकार चुरा ले गई। इसमें मटेरियल थे तुअर की दाल, माश की दाल, मूंग की दाल, गोंद, तेल, गन्ने का रस, शक्कर का रस, सिंघाड़े का आटा, चूना, शहद, सब्जी और लॉरीड। ये पूरे इसी मसालों से पूरी बिल्डिंग बना है। अभी हमारे साथ यहाँ के गाइड दादा अंसार हुसैन जी हैं, ये हमें पूरी भूल भुलैया को विजिट कराएंगे। चलिए ठीक है, अब आपको भूल भुलैया ले चलना है, ले जाना मेरा काम है, निकलना आपका। भैया हम लोग अब भूल भुलैया में प्रवेश करने जा रहे हैं, आइए हमारे साथ भूल भुलैया। हमारे गाइड ने बताया कि यहाँ से 45 सीढ़ियाँ चढ़ के वहाँ पर रुक जाइए वरना आप भूल जाएंगे। तो अभी हम लोग 45 सीढ़ी चढ़ के आइए। दोस्तों हम लोग 45 सीढ़ियाँ यहाँ पर चढ़ाएँ, अभी हमारा गाइड नीचे है, तो हमारा गाइड ऊपर आ जाएगा तो हम इस भूल भुलैया में प्रवेश करेंगे। काफ़ी ऊँची सीढ़ियाँ थी, सांस फूल गई। आइए भैया हमारे आइए। दादा का जोश वाकई काबिले तारीफ है और इनका स्टैमिना भी। यहाँ से 900 गज दूर से आप बाहर आने वाले को देख सकते हैं, लेकिन आप उनको देख सकते हैं, वो आपको नहीं देख सकते। आज आप लोग यहाँ से बाहर तक के देखिए। तो दोस्तों इसी बीच हम अपने गाइड से बिछड़ गए, लेकिन कोई बात नहीं, हमें एक और गाइड मिल गया। ज्ञानी तो लेना है, कहीं से भी मिल जाए। जो टोटल 10 नवाबों ने अवध लखनऊ में शासन किया 1732 से लेकर 1857 तक, जो उस समय के लास्ट बादशाह वाजिद अली शाह थे। जब ब्रिटिश का समय आ गया, अटैक हुआ और वाजिद अली शाह कलकत्ता चले गए, जो उनकी आज कब्र, उनकी मकबरा, उनकी समाधि वहाँ कलकत्ता में बनी हुई, जो यहाँ के आखिरी बादशाह थे वाजिद अली शाह। और जिस बिल्डिंग में आप खड़े हैं जिन्होंने बनवाई, तो वो अवध के 4 नवाब थे, नवाब आसिफ़उद्दौला बहादुर, जो उन्होंने अपने फादर के बाद 1735 से लेकर 1797 तक शासन किया, और उस शासन में उन्होंने इस बिल्डिंग को बनाया और उसके साथ लखनऊ का नाम लखनऊ की राजधानी जानी गई।
जानी, इन्हीं ने पहचान दी जो आज लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, क्योंकि जो इनके फादर थे यानी कि इसके तीसरे बादशाह नवाब साहब थे सुजाव दौला बहादुर, वो इनके फादर थे और वो फैजाबाद से शासन करते थे। तो इस जमाने में यूपी की लखनऊ की राजधानी उस फैजाबाद में ही जानी आती थी जी, और उसको उस जमाने में लखनपुर कहते थे। नवाब आसिफुद्दौला बहादुर ने दोनों को चेंज कर दिया, नाम को लखनऊ दे दिया और फैजाबाद से राजधानी हटा के लखनऊ कर दी, जो आज यूपी उत्तर प्रदेश की राजधानी ये लखनऊ से जानी जाती है। भैया की छत पे है इस समय, हम छत से वापस नीचे की ओर जा रहे हैं और दादा ने चैलेंज दिया है कि ये वापस अपने आप भूल भुलैया से बाहर निकल के दिखाइए, तो चलो कोशिश करते हैं भूल भुलैया से बाहर निकलने की। देखिए इसी सबको कहते हैं भूल भुलैया, इतना बेवकूफ आदमी बाहर निकल जाता है, समझदार आदमी यही रहे। अभी आप बेवकूफी करेंगे तो बाहर निकलेंगे। नीचे जाने के लिए आप ऊपर चढ़ेंगे या नीचे जाएंगे? नीचे जाएंगे, यहाँ ऊपर चढ़ना पड़ता। दोस्तों अब हम भूल भुलैया से बाहर आ चुके हैं, तो सबसे पहले हम वापस जीके पहनने जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद अगला डेस्टिनेशन यही पास में है, वहाँ पे चलेंगे और आपको वो विजिट कराएंगे, एक्सप्लोर कराएंगे। तो अब हम लोग शूज़ पहन चुके हैं, अब हम अगले डेस्टिनेशन की ओर बढ़ते हैं जिसको बाउली कहते हैं। आइए देखते हैं बाउली क्या है। जगह को बाउली कहते हैं। अगर आपने गुजरात के अदजल स्टेपवेल को देखा होगा तो उसी की तरह बना हुआ है, और यहाँ की खासियत ये है कि जब भी कोई इस द्वार से प्रवेश करता है तो अंदर एक कुआं बना है, उस व्यक्ति की प्रतिबिंब उस कुएं में दिखाई दे जाती है। मिल गए दादा। दोस्तों मेरे पीछे इस मस्जिद को आपने पहचाना? जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना, वही मस्जिद है जो गदर फिल्म में पाकिस्तान में दिखाई गई थी। बहुत ही टायरिंग डे रहा, लेकिन इसी बीच हम लोगों ने बहुत खूबसूरत इंडियन मॉन्यूमेंट्स देखे, जो वास्तव में वास्तुकला के बहुत उत्कृष्ट उदाहरण रहे हैं। तो अब बहुत ज़ोर की भूख लगी है, किसी ने बताया हमें कि यहाँ अलीगंज में बहुत बेहतरीन चोखा बाटी मिलता है, तो चलते हैं अलीगंज और वहाँ का चोखा बाटी टेस्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम बाटी चोखा रेस्टोरेंट में आ चुके हैं, अंदर चल के बाटी चोखा एंजॉय करते हैं। चलिए, यहाँ पर परंपरागत ढंग से बाटी चोखा बनाया जाता है, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर कंडे जलाए गए हैं बाटी तैयार करने के लिए, और हर चीज नेचुरल ढंग से प्रिपेयर की जाती है। देखिए हांडी में मटकी में दाल पक रही है, और इस तरह से मिट्टी की दियाली और कुल्हड़ में परोसा जाता है। गुड
दोस्तों हमारे साथ चोखा बाटी रेस्टोरेंट के मैनेजर दीपक जी हैं। अब दीपक जी यहाँ की खासियत के बारे में आप सबको बताएंगे। जी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आए हुए हैं, जब देखिए टेम्पल में जो मसाले वगैरह यूज किए जाते हैं, खाना यहाँ प्रॉपरली बनता है, वो मसाले यहीं पर फूटे हुए जाते हैं और उसके बाद इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे जैसे चना हो गया और गेहूँ हो गया, हम लोग अपने यहाँ पिसवा के, यहाँ पे जैसा कि चक्की लगा हुआ आप देख सकते हैं चक्की, तो यहाँ पर हम लोग अपना पिसवा के उसके बाद ही यूज करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज का के जो रेस्टोरेंट आपको खाना प्रोवाइड करते हैं रेस्टोरेंट, वो इतनी शुद्धता के साथ नहीं प्रोवाइड करते हैं जितना कि हम लोग का रेस्टोरेंट प्रोवाइड करता है। मेन चीज़ यहाँ पर शुद्धता का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और उसके साथ हम लोग का दाल हो गया, वो आपका हांडी में पकता है मिट्टी के बर्तन में, जो आजकल सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। उसमें मिट्टी का स्वाद भी आता है खाने के साथ में। और हम लोग का रेस्टोरेंट जो भी चीज़ें प्रोवाइड करता है अपने यहाँ से ज़्यादातर बनी हुई चीज़ें प्रोवाइड करता है कि अपने यहाँ का ही। और जैसा कि मेनू आप देख रहे हैं, तो हम लोग का जैसे घर का खाना, जैसे पहले लोग खाते थे घर का खाना, वैसा ही खाना प्रोवाइड कराता है। ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत वो खाना प्रोवाइड कराता है कि जहाँ नुकसान नहीं हो, जैसे सब चीज़ का ध्यान रखते हुए उतना ही रेस्टोरेंट हम लोग का मेनू दिया गया है कि जो नुकसान दे ना हो। बहुत अच्छी बात है। जो सबसे खास बात यहाँ की है वो यहाँ की शुद्धता, जैसा कि दीपक जी ने बताया कि यहाँ पर जितने भी मसाले और जो भी चीज़ें यहाँ पर प्रयोग हो रही हैं वो यहाँ पर खुद बनाई जा रही हैं और शुद्धता का खास ध्यान रखा जा रहा है। और अगर आप दोस्तों शुद्ध मसाले लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से मसाले भी परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर सारी मसालों की वैरायटी है, आप यहाँ पर आके मसाले परचेज कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप लखनऊ आते हैं तो एक बार चोखा बाटी ज़रूर आएँ, जिसकी एक ब्रांच गोमती नगर में और एक अलीगंज में है। दोस्तों देखिए इस तरह से हमें पत्थर मिलता है जिसमें ये बाटी परोसी जाएंगी, और इसके अलावा ये वुडन प्लेट है। इस वुडन प्लेट में इस तरह से पत्थर रखा हुआ है, और ये मेन्यू भी जो है वो देखिए सूप, एक सूप बना है उसी में मेन्यू लगा हुआ है, तो बहुत ही क्रिएटिव आइडिया है। मेन्यू में मुझे जो ऑफर समझ में आ रहा है वो कॉम्बो ऑफर ज़्यादा बेस्ट लग रहा है। यहाँ पर दो कॉम्बो ऑफर्स हैं, एक 300 रुपीज़ जिसमें आपको 2 पीस बाटी मिलेगी, राइस मिलेगा, चोखा मिलेगा, घी, चटनी, पिकल, चूरमा या खीर मिलेगी। और एक कॉम्बो 240 रुपीज़ का है जिसमें आपको 2 बाटी, चोखा, दाल, राइस और चटनी मिलेगी। तो अभी हम 300 वाला कॉम्बो ऑफर ऑर्डर करने जा रहे हैं। इस तरह से हमें बाटी मिल गई, एक पनीर वाली, एक सत्तू वाली, दाल मिली है, राइस मिला है, खूब सारा घी मिला है। तो आप शुरू करते हैं। लखनऊ में आओ तो एक बार जरूर यहाँ पे आओ। दोस्तों हमेशा की तरह चोखा बाटी का एक्सपीरियंस बहुत किया था, और चलते चलते हमने अलग अलग तरह के दाल धनिया पाउडर और सत्तू ये भी ले लिया है। अब हम घर पे जाके देखेंगे तो इसको भी चेक करेंगे कैसे। तो दोस्तों ये था हमारे लखनऊ व्लॉग का एपिसोड नंबर 2। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए शहर में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप इन टच, सी यू सून।